आप देख रहे हैं पटना लाइट और आज BIT सेट का एग्ज़ाम जो सेकंड सेशन का था वो आज ख़त्म हुआ और जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बाहर आने शुरू हो गए। चलिए उनसे बातें करते हैं, कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया। कितना बनाया? अच्छा गया है। कैसा बनाया? बना दिए, आ गया है 240 नंबर। 240? हाँ। फिजिक्स कैसा था? ईजी था। और मैथ्स? वही नॉर्मल लेवल का था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक। जेई के कंपैरिजन में कैसा था? इजी था, आसान था। जेई के कंपैरिजन में? केमिस्ट्री जेई से आसान था। एनसीईआरटी परेशान करता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को? केमिस्ट्री नहीं, जरूरी नहीं, एनसीईआरटी पढ़ लिए तो नहीं परेशान करेगा। एनसीईआरटी बेस्ड था या एनसीईआरटी बेस्ड? एनसीईआरटी बेस्ड। कोई परेशानी हुई? नहीं नहीं। कितना एक्सपेक्टेशन है आपका? नहीं तो नंबर तो दे दिया ना, स्कोर बता देते। बता दिया स्कोर? हाँ, 20 से। कितना है आपका? 232। पिछले बार कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ इस बार टोटल नंबर घटा दिया है तो कट ऑफ का नहीं पता है। कैसे रहे आपके पेपर? पेपर ठीक रहा। आगे बढ़ो। क्या बनाया आपने? मैंने 75 कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। फिजिक्स के सवाल कैसे थे? फिजिक्स के क्वेश्चंस सबसे इजी क्वेश्चंस मेरे को फिजिक्स के ही लगे। चैप्टर्स काफ़ी मतलब इजी चैप्टर्स से सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, फॉर्मूला बेस्ड थे मोस्टली। जेई मेंस के कंपैरिजन में कैसा था? जेई मेंस के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स थोड़ा तो इजी था, बट हाँ ये इट्स मोर ऑफ अ स्पीड बेस्ड एग्जाम तो डिफरेंट है। हाँ। और केमिस्ट्री का पेपर? केमिस्ट्री में काफ़ी मिक्स चैप्टर से क्वेश्चन थे, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं था, बट केमिस्ट्री मॉडरेट था। मॉडरेट था। ऑर्गेनिक से सवाल थे? हाँ, ऑर्गेनिक से कुछ सवाल थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, बट थियोरेटिकल ज़्यादा थे जिसमें कि मेमोरी बेस्ड ज़्यादा थे ऑर्गेनिक से। मैथ्स के कैसे? मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन सीक्वेंसेस एंड सीरीज वगैरह टाइप के चैप्टर्स से, काफ़ी इंटीग्रेशन से, कैलकुलस से काफ़ी था ये सब चैप्टर्स से। जो मॉक टेस्ट बेस्ड था उससे बाहर से था? मॉक टेस्ट बेस्ड सवाल था या नहीं? नहीं, मॉक टेस्ट बेस्ड ही था, मतलब प्रीवियस पैटर्न के बेस्ड ही था। क्या लग रहा है आपका एक्सपेक्टेशन? मेरा तो एक्सपीरियंस अभी कुछ खास नहीं रहा है अबाउट टुडे का ड्रॉप, बट मेरा नेक्स्ट ईयर क्लियर है कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है, तो उसकी क्लैरिटी मिल गई है। आपको थैंक यू। बनाए तो 240 प्लस का है, अब देखिए सिलेक्शन होता है। मार्क्स कितना आया? मार्क्स आया आपको 135। 135 आया। फिजिक्स कैसा था सवाल? फिजिक्स इजी था, मैथ्स थोड़ा मीडियम से हार्ड के भी, मॉडरेट था, लेकिन लेंथी पेपर था। जेई के कंपैरिजन कैसा था? जेई को मैं थोड़ा कमी था, जेई से तो कंपेयर नहीं है। अच्छा, जेई से कंपैरिजन नहीं, टफ नहीं था? उतना ही टफ नहीं था, जेई जितना टफ नहीं था। केमिस्ट्री में सवाल कहाँ से थे? केमिस्ट्री में आपको मेन इनऑर्गेनिक से थे, ठीक है, और फिजिकल से कम सवाल थे। कौन सा पोर्शन ज़्यादा था, 12th वाला ज़्यादा या 11th वाला? 11th वाला, क्योंकि 11th मेरा पर्सनली थोड़ा वीक है। अच्छा, तो आपको 11th वाला पोर्शन ज़्यादा लगा? हाँ। अच्छा, मॉक टेस्ट तो लगाए होंगे इसका? नहीं लगाया। कोई आइडिया नहीं मॉक टेस्ट के बेस था या नहीं? नहीं, एक्चुअली हम प्रीवियस ईयर हल्का फुल्का सॉल्व किए थे एक बेसिक आइडिया के लिए, बस मॉक नहीं दिए थे। तो प्रीवियस ईयर बेस था या नहीं? नहीं, इस बार पेपर का थोड़ा चेंज था पैटर्न, थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। हल्का सा क्वेश्चन का लेवल जैसा प्रीवियस ईयर्स में था वैसा नहीं था। मतलब किस सेंस में? टफ या? अच्छा, चलिए आपको आपका कैसा रहा सर पेपर? ठीक था। कितना बनाया आप? 90 बनाए। 90। कैसा था पेपर? मॉडरेट था, मॉडरेट। मेन से आसानी था, मेन से आसान था, जेई मेन से आसान था। अच्छा, फिजिक्स कैसे थे? पता नहीं चलता ना कितना आया, मेरे सब में इसने नहीं पता बता सकते। अच्छा। फिजिक्स ठीक था। हाँ। तीनों नॉर्मल था। अच्छा, आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, एनसीईआरटी बेस्ड था क्या? एनसीईआरटी के बाहर था या एनसीईआरटी के अंदर था? कि मैं सब मैथ्स को छोड़ के सब एनसीईआरटी का था। हाँ। टोटल कितने सवाल थे? 130 था। कैसा है पेपर? इजी था, ना हार्ड था, सब था। कितना बना है? कितना बना है? 70 क्वेश्चंस। 70 क्वेश्चंस बना लिए। हाँ। IIT JEE का जो एग्जाम दिए उससे बेस्ड था या उससे अलग था? उसी के जितना। इजी या टफ? वे सब पूछ लिया अभी से आप। हाँ? हमी से सब पूछिएगा। बताओ क्या कैसा इजी था जेई मेंस के कंपैरिजन में कि टफ था? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन तो ज़्यादा ही है ना, तो थोड़ा टफ ही मानेंगे उसको। अच्छा, मैथ्स कितना बना? मैथ तो कितना 25 के आसपास बनाए होंगे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री परेशान करता है, आज कैसा रहा केमिस्ट्री आसान था जबकि आज आसान था। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कितना अटेम्प्ट किए आप सर? 92 तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दिया आप। मैथ्स में कितना बनाए सर? मैथ्स में 30। जेई के कंपैरिजन में सवाल कैसा था बीट का? इजी
सारे सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सारे सारे सेक्शन सर। केमिस्ट्री में सवाल कहाँ से? सर केमिस्ट्री में मेजर सवाल इनऑर्गेनिक से था। इनऑर्गेनिक से चैप्टर्स? सर चैप्टर तो कंपैरेटिवली ट्वेल्थ ज़्यादा, ट्वेल्थ का पोर्शन ज़्यादा था। ट्वेल्थ का ज़्यादा है। और मैथ्स में? मैथ्स में भी ट्वेल्थ का वेटेज ज़्यादा था। और फिजिक्स? फिजिक्स में सर फिजिक्स में मोशन मोशन चैप्टर आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके बढ़िया था। कितना बनाया? कितने? मैंने लगभग 110 के आसपास अटेम्प्ट किया था। मार्क्स तो बता दिया। कितना? 340। 340 बहुत अच्छे मार्क्स थे आपके। हाँ। केमिस्ट्री कैसा था? इजी था। जेई मेंस के बेस था उससे पास? उसी बेसिस पे था। एनसीईआरटी से था लगभग। एनसीईआरटी बेस्ड। कोई परेशानी हुई? नहीं। क्या एक्सपेक्टेशन है? हाँ अगर कंप्यूटर साइंस मिल जाए तो गोवा या हैदराबाद में। ठीक है। और इस तरीके का मिजाज बिट सैट्स जो आज 3 अगस्त को हुआ पहले शिफ्ट का, वो इस तरह का मिजाज आज के सवाल का रहा। और स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जो जेई मेंस के बेस जो इनका सवाल है वो उतना टफ नहीं है, जेई मेंस से काफ़ी आसान सवाल है। इसी तरीके अपडेट्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए आप पटना लाइव।